हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं लोकेश, वेलकम बैक टू द चैनल। ऐसे नहीं बोलते इधर, पंजाबी में बोलते हैं ना, क्योंकि छोले भटूरे खा रहे हैं ना। हेलो जी, मैं हूं लोकेश शर्मा, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी, आज आपा खाएंगे छोले भटूरे, इसलिए आपा बोल रहे हैं पंजाबी। तो जी, तो बंदा चाहे पंजाब से ना भी हो, अगर छोले भटूरे खाएगा तो पंजाबी बोलेगा ही बोले। वैसे तो मैं हूं जी हरियाणा से, यू नो लाइक आई मीन वो जगह ऐसी है कि उसे दिल्ली में मान लो, हरियाणा में मान लो, चाहे लाइक इट्स लाइक एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। पर जी छोले भटूरे हमें बहुत अच्छे मिलते हैं एक जगह थी बालजी। अगर कोई गुड़गांव से तो सब पता होगा, बालजी छोटे भटूरे, छोले भटूरे वॉज वेरी फेमस फेमस लॉन्ग 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 बैक। मतलब छोले भटूरे के नाम से ना जबान पे इतना इतना यू नो पानी आ चुका है कि जबान फिसल रही है। तो क्या क्या बोले जा रहा हूँ मैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग, जिसमें हम खाएंगे 3 बेस्ट छोले भटूरे इन एडमिंटन एल्बर्टा कैनेडा। निया है छोटी और इसलिए कहीं बाहर जाके बैठे खाना हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं भाई। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बैठे बैठे बोल रही है। आई मीन पहले भी एक हमने फूड ब्लॉग बनाया था एडमिंटन की मिठाइयों के बारे में, आपने देखा था। उसमें भी बीच में हमें कितने ब्रेक्स लेने पड़े थे। छोले भटूरे नंबर 1 2 देना अच्छी बात नहीं है। मतलब ना ना। तो शुरू करते हैं आज का छोले भटूरे का व्लॉग विद द समोसा शॉप, जो कि एडमिंटन की बहुत ही शायद साल भर पहले खुली है शॉप। आई थिंक हां, 1 ईयर ही हुआ। लेकिन जहां पे खुली थी ना, वो एरिया सराउंडेड थी, पता है वहां पे रॉयल पान भी आ गया है। हाँ, वो भी बन रहा है लाइक इंडिया स्टाइल बेकरी। हाँ, इंडिया स्टाइल बेकरी, गुरु नानक बेकरी, मतलब वो एरिया भाई एकदम खासा खास चांदनी चौक बनने वाला है यहाँ पे। बताओ, मेरे 2 छोले भटूरे और साथ में जिया के लिए, क्योंकि समोसा शॉप है तो जिया के लिए हेलेपिनो के लिए कौन सा वो था, चीज चीज हेलेपिनो समोसा, ठीक है, जो कि 15 समोसा लेके आए थे। कॉकटेल समोसा। हाँ, कॉकटेल समोसा, ऐसे छोटा समोसा होता है, बड़े समोसे मिलते हैं जिया को बहुत चलते हैं। लेकिन मेन चीज है छोले भटूरे। ये भटूरा है, फूला हुआ नहीं है। पूरे व्लॉग में एक भटूरा जरूर फूला हुआ देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। पर यार जैसे मैंने बताया कि एक तो ये है कि भाई निया छोटी है और निया को साथ बाहर जा सकते। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी का नहीं मालूम। जैसे ये एक छोले भटूरे के साथ ये प्लेट आती है जिसमें कि छोले होते हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं और आपके साथ भी होंगे जो कि वहां पे आते हैं और बोलते हैं मतलब ठीक है खाना अच्छा, पर छोले कम दिए भाई ने। मैंने सोचा कि इस तरह से बनाएंगे कि भाई ऐसी ना हो दिक्कत। बहुत सारे लोग कहने का मतलब क्या है तुम्हारा, मतलब समझ जाओ मेरे मतलब क्या है बोलने का। पर एक्स्ट्रा छोले आ गए हैं, इसके लिए पे करा है मैंने जो यूजुअल है। लेकिन लेकिन नॉर्मल जितने छोले आते थे उससे ज्यादा होगी अभी क्वांटिटी। हाँ ठीक है, पर लाइक जो यूजुअल है वो है भाई कि ये इस तरह से अचार और प्याज आ रहा है, साथ में आ रहे हैं छोले। नहीं नहीं, छोले ये वाले दिखाओ, छोले ये वाले और लाइक अचार प्याज और चटनी भी आई है। लेकिन चटनी तो चटनी समोसे के उसके साथ आई है। क्या खाना शुरू करें? हाँ यार, ये छोले भटूरे खाओगी खाओगी भटूरा। और इस भटूरे की बेस्ट पार्ट पता है क्या है, इसके बीच में ना बीच में कुछ अजवाइन या कोई चीज ऐसी लगी होती है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। ये भटूरा बहुत अच्छा है, इसका भटूरा बहुत अच्छा है एक्चुअली। जिया बहुत सुपर ऑयली नहीं है। हां, तुम्हारे में अचार थोड़ा ज्यादा है, मेरा दूसरे के प्लेट में ज्यादा लगता है तुम्हें। देख, चुप हो जा बेटे, चुप हो जा। हां चुप, ये हैंडी चीज है, बच्चे को इसे बिठा के कहीं भी ले जाओ। तो मेरे को भटूरा कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है। और छोले, छोले बहुत अच्छे हैं। लाइक एक प्रॉब्लम है बस कि भाई जब आप टेक अवे करते हो तो भटूरे उतने फूले नहीं होते, फूले नहीं होते हैं, लेकिन है ना, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट है। आई आई छोटू, क्या क्या आवाज निकालनी पड़ती है बच्चे के साथ। ओए माइक्रोफोन में मत मार छोटू। हैं तो मतलब मेरे को है ना, ऑनेस्टली जब से मैं एडमिंटन आया हूँ, मुझे इससे एक और जगह है वो इसके बाद आएगी, वहाँ के छोले भटूरे मुझे बहुत अच्छे लगे। इनके भी छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं। अगर शॉप पे जाओगे, मैंने एक शॉर्ट बनाया था बहुत पहले,
इसमें कि हम गए थे शॉप पे जब नया नया खुला था ये, और वहां पे हमने बैठ के भटूरे खाए थे। बहुत अच्छे लोग हैं, गरिमा को उस समय मांगने पे फिर से मांगने पे छोले भटूरे दिए थे उन्होंने, गरिमा बहुत कुछ दी छोले है ना, क्योंकि कुछ लोगों के लिए भटूरे के साथ छोले हमेशा कम पड़ जाते हैं, जैसे कि डोसे के साथ सांबर। और कुछ लोग होते हैं जो बच्चे कनाडा में बड़े हो रहे होते हैं, जो साथ में जो सब्जी मिलती है उसको ड्रेसिंग की तरह खाते हैं, छू छू के। वो मैं थोड़ा ना भाई, तो मैं तो बोला ही नहीं, मैंने कहा बोला, मैंने नहीं बोला, मैं ऐसे बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। जिया नहीं है ऐसे, मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, आपकी तरफ देख ही नहीं रहा। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यार अगर इंडिया के बाहर आके, ठीक है, आपको ये स्वाद है ना, ऐसे कुछ स्वाद मिल जाए कि हाँ कि एक तो घर में बनाना ना पड़े और दूसरा बढ़िया चीज मिल जाए तो मजा ही आ जाए, तो मजा ही आ जाता है। जो शॉप है छोले भटूरे का वो है एडमिंटन में, करीज एंड पफ्स, जो कि मेलवुड्स टाउन सेंटर, एक मेलवुड्स टाउन सेंटर में है, एक मेलवुड्स टाउन सेंटर स्ट्रिप मॉल है जिसके अंदर की ये स्टोर है। वहाँ पे एक फूड कोर्ट है, उधर बहुत सारे आउटलेट्स हैं जैसे कि टिम हॉर्टन्स वगैरह, वहीं पे करीज एंड पफ्स भी है। अभी मेरे को इतना खुश देख के जिया मेरे को बोल रही थी कि पापा आप जब भी टीवी देख रहे होते हैं ऑल दैट, तो एकदम एक ही मूड में देखते रहते हो, एकदम सीरियस, खाना देख के इतने खुश क्यों जाते हो? तो जिस जनरेशन में हम बड़े हुए हैं ना, लाइक पेरेंट्स के साथ जस्ट बैठ के टीवी देखना एंड ऑल दैट, होता क्या था कि भाई चाहे अक्षय कुमार टिप टिप बरसे पानी में डांस कर रहा हो रवि टंडन के साथ, फिर सनी देओल कातिया गाली दे रहा हो कि कातिया, यू नो, तो सिचुएशन में हमारा एक्सप्रेशन एक ही होता था कि भाई हमें कुछ नहीं हो रहा, हम बड़े सीधे बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स को उस जमाने में ना तो बच्चा व्यभिचारी चाहिए था ना ही क्रांतिकारी, पेरेंट्स को चाहिए था कि बच्चा हो आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। आइए करते हैं भाई आज का टेस्टिंग फ्रॉम करीदन पर, हमने बहुत बार खाया हुआ है, इसका भी हमने एक बार शॉर्ट बनाया था जस्ट लाइक उन्होंने दिए हैं इस साइज के छोले, और ये प्याज है, इसमें थोड़ा अचार मिक्स है, और ये भटूरा सॉफ्ट है यार, भटूरा सॉफ्ट होता है इसका, और यहाँ की जो ओनर है गरबा की बहुत अच्छी फ्रेंड है। नहीं, वो बहुत नाइस है, टेस्ट उसे बहुत डिफरेंट है। हम लेके आए हैं 5 स्टार, ये भाई इंडियन ग्रॉसरी स्टोर पे मिल रहा था 70 सेंट्स का, और यार छोले भटूरे की खातिर अगर आपको छोले भटूरे अच्छे लगते हैं, मेरे लिए नहीं, छोले भटूरे की खातिर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, है लाइक करो, लाइक भी करना, और क्या करना, शेयर करो, और क्या करना, और प्लीज कमेंट कर दो। कमेंट क्या करेंगे, कमेंट यही करेंगे कैसे दिख रहे थे छोले भटूरे। भाई दिखने तो अभी तक अच्छा नहीं है, मतलब दिखेंगे, अच्छे वाले भी दिखेंगे, डोंट वरी, लेकिन काश इसके थ्रू इसका स्वाद और टेस्ट भी आता था। एक ये फिफ्थ और फोर्थ डायमेंशन जो भी होती है ना, ये भी अगर फ्यूचर में आ जाए ना वीडियो के थ्रू, तो मजा आ जाएगा भाई, गॉड, नो सीरियसली, जो बीवी से करे प्यार वो घर के बने छोले भटूरे से कैसे करे इनकार, लेट्स ईट इट नाउ। आपको बोला था एक भटूरा तो पूरा दिखाऊंगा, राइट। तो जी हमारी प्लेट पे छोले भटूरे आ चुके हैं, राइट, और बहुत ही मजेदार लग रहे हैं, हमने पहले भी एक बार खाए हुए हैं ये जब घर में बनाए थे। All credit goes to Garima and Chef Ranveer Barar for this recipe. Chef Ranveer Barar आजकल इंडिया में बहुत पॉपुलर है एज अ शेफ, और उन्हीं की रेसिपी से ये छोले भटूरे बने हैं। इफ यू वॉन्ट टू वॉच द फुल रेसिपी गो टू हिज चैनल ऑन यूट्यूब, पर थोड़ी सी रेसिपी गरिमा बताएगी, गरिमा ने कैसे बनाया ऑल दैट, ओवर टू यू। थैंक यू तारीफ करने के लिए। तो नॉर्मली हम जब छोले भटूरे खाते हैं तो छोलों में सब खूब सारी प्याज, एक मिनट मैं भी खाऊंगी, थोड़ी जल्दी करो यार, मैं रुक नहीं पा रहा, बहुत देर से बन गया, बहुत लोग प्याज टमाटर वगैरह सब डालते हैं। तो ये जो छोले हैं ये रणवीर बरार की वेबसाइट पे दिल्ली वाले छोले भटूरे हैं, और इसमें कोई टमाटर नहीं है,
कोई प्याज या मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो शुरू से शुरू करो ना कैसे पहले छोले नहीं, तो ये तो बताना पड़ेगा ना तो कोई टमाटर प्याज नहीं है तो वो ये छोले हैं तो छोले क्या है पहले जब बॉईल करना है बॉईल करते टाइम आंवला डालना है इसके अंदर नॉर्मली हम आंवला ही डालते हैं तो पानी में रखना है भिगो के हाँ रखें रखेंगे तो अच्छा है जल्दी बॉयल हो जाएंगे तो आंवला डालोगे चाय की पत्ती पर चाय की पत्ती किसी पोटली में डाल के और बड़ी इलायची और हींग ये सारी चीज़ें डाल के बॉयल कर लो थोड़े थोड़े काले पहले से हो जाते हैं क्योंकि आंवला भी अपना कलर छोड़ता है प्लस चाय की पत्ती है लेकिन एक स्पेशल चीज़ है जो हम खरीद के लाए हैं लोहे की कढ़ाई तो जब बॉयल हो गए तो लोहे की कढ़ाई में उसको बनाना है बॉयल होने के बाद लेकिन मसाले क्या क्या डालने हैं तो मसाले हमें कोई भी पाउडर्ड मसाले नहीं डालने इसके अंदर सारे खड़े मसाले डाले हैं मैंने जैसे काली मिर्च अगेन बड़ी इलायची छोटी इलायची वो जो स्टार स्पाइस ब्लेंडर में उसको ब्लेंड किया था जो स्टार स्पाइस होता है पहले तुमने रोस्ट किया और फिर ब्लेंड किया रोस्ट किया इन सारे दालचीनी इन सारे मसालों को पहले मैंने रोस्ट किया और रोस्ट करने के बाद फिर उसको ग्राइंड कर लिया और फिर लोहे की कढ़ाई में बॉयल्ड वाले छोले डाल के मैंने गार्लिक यूज़ किया थोड़ा सा बॉयल वाले छोले डाल के और मसाला ऊपर से डाला क्योंकि ऑलरेडी रोस्ट हो चुका है और फिर धीरे धीरे उसको कुक होने दो तो ऐसे करके बनाए हमने छोले और भटूरे 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 और भटूरे के लिए तो दो तीन तरीके पर मैं कैसे बनाती हूँ ये मैंने रेसिपी उसकी देखी मैं पहले भी ऐसे ही बनाती थी भटूरे में मैंने डाला ईस्ट ईस्ट डाल के ईस्ट डाल के बस वन वन एंड हाफ आवर के लिए छोड़ दो अच्छे से राइस कर जाए पर मैं जब ईस्ट डालती हूँ तो उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी डालती हूँ तो उससे क्या होता है गार्लिक पाउडर एंड सॉल्ट तो अच्छा रूखा भी खा सकते हो आप जिया तो रूखा ही खा जाते हैं और ये फ्राइड आलू जिसमें हाँ। तेल यूज ही नहीं हुआ ये फ्राइड आलू हमने बनाए एयर फ्रायर में और एयर फ्रायर में जब अच्छे से वो क्रिस्पी हो गए फिर मैंने ऊपर से इसमें मसाला ऐड किया है रोस्टेड मसाला अगेन और साथ में पिकल जो हमारा वॉलमार्ट से आया पिकल पिकल हमने नहीं डाला शुरू करें यस थोड़ा सा अचार थोड़ी सी प्याज जिया पता है सुबह से जब बन रहे थे ना छोले उसके दो प्लेट जिया तीन कटोरी ऐसे ही खा गई थी बगैर भटूरे के मैं वेट करता कि यार अगर थोड़ा सा भी खा लेना फिर शाम में खाने मज़ा नहीं आएगा हियर इज द बाइट प्राउड ऑफ यू थैंक यू वेरी गुड आज के बाद बाहर से लाने का खर्चा खत्म हमें इस वीडियो में हमने जो शुरू में दो भटूरे दिखाए हैं वो ही बहुत अच्छे हैं वो ही बहुत अच्छे हैं क्योंकि यार देखो कभी कभी तो मन करता है ना कि जब आप रोज खान बाहर खाने वाले नहीं हो कभी कभी मन करता है और एक्चुअली जब इंडिया से आप बहुत दूर होते हो ना तो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना बड़ी अच्छी लगती है अरे यार भटूरे क्योंकि यार ऑनेस्टली मैं पहले भी कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ कि जब हम नए आए थे ये सारी चीज़ें कई बार मिलती नहीं थी मुश्किल से एक या दो शॉप थी बहुत कम थे हाँ अब वैरायटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है बहुत ज़्यादा हो गई है तो जो लोग नए आएंगे उनके तो स्वाद ही स्वाद है मज़े मज़े हैं हम ख़त्म करते हैं भटूरे और अगर छोले भटूरे कसम अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट और सब्सक्राइब करो अगर अब तो सब्सक्राइब नहीं किया और ऑलरेडी अगर कर दिया है तो उस बटन से हाथ दूर रखना वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा है ना बाय